आज हमारा लेक्चर होगा पाकिस्तान का क्याम। इसमें इस चैप्टर का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है क्या में पाकिस्तान में कदर का किरदार। आप लोग पेज नंबर 45 निकालिए, यहाँ पर क्या में पाकिस्तान में कदर का किरदार का जिक्र है। क्या में पाकिस्तान में कदाचन की पहली शख्सियत के बारे में बयान करेंगे कि कदाचन की शख्सियत ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की तकदीर बदल दी। आपने अंग्रेजों और हिंदुओं को हिंदुस्तान तकसीम करने पर मजबूर कर दिया। कदाचन मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने 1892 में मैट्रिक करने के बाद आला तालीम के लिए आप लंदन तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद 1913 में आप सैयद वजीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कैद पर मुस्लिम लीग ने अपने हुकूमत इख्तियार की। फिर मुसलमानों की तारीख का रुख मोड़ने में लग गया। आपकी मुदब्बराना सियासत ने बरतानवी इस्तेमाल की जड़ें हिला कर रख दी। जहूर पाकिस्तान के बाद आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए और आपने 11 सितंबर 1948 को कराची में वफात पाई और वहीं आपको दफन की गई। आइए अब देखते हैं कि आपकी खिदमात क्या है। 1916 में कदाचन ने मुशाके लखनऊ के तहत दोनों कौमों यानी हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में मुतहद किया और हिंदुओं से मुसलमानों के लिए मुदावाना इंतखाबात का हक मंगवाकर अपने सुपीरियर मुल्क के साथ पाया। ये आपका एक साथ में संघीय समस्या बता रही थी। दूसरा 1913 में हिंदू रहनुमा गोखले के साथ मिलकर बरतानिया में नई दस्तूरी इस्लाहात का मुतालबा भी आपने किया। 1919 की माइक्रो ट्रांसपोर्ट असलाहत के लिए कदाचन की कोशिशें बड़ी ही काबिल जिक्र हैं। ये कदाचन का खिताब का जिक्र हो रहा है 1919 में। इस चैप्टर का आखिरी शार्ट प्रश्न है 1919 में सर सिडनी रूल्स ने एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया, इसको रूल एक्ट का नाम दिया गया। ये एक काला कानून था, ये एक काला कानून था। तो कदाचन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की और हुकूमत बरतानिया से कहा कि जो तुम्हें अमन के जमाने में काले कानून बनाती है वो कौम कभी मुअज्जत नहीं कहला सकती। इसी तरह 1927 में तजावीज़ दिल्ली में कदाचन ने मुदावाना इंतखाबात के हक से 10 प्रकार हुकूमत कांग्रेस से तआमुल कर लिया दिया जो पूरा नाम होगा। उसके बाद 1922 में नेहरू रिपोर्ट को आपने मुस्तरद कर दिया और उसके मुकाबले में 1929 यानी 1929 में आपने 14 अनुपात पेश किए, इससे मुसलमानों की मंजिल मुतय्यन हो गई। कदाचन ने 1930 में लंदन में होने वाली पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुसलमानों का नुकता बयान किया। इसी तरह आपने 1935 और 1936 में मुर्दा मुस्लिम लीग में जान डालकर तहरीक की आजादी को आगे बढ़ाया। अक्टूबर 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कदाचन मोहम्मद अली जिन्ना को मुत्तफिक का तौर पर मुसलमानों का लीडर तस्लीम कर लिया गया। इसके बाद आपने मुल्क की हंगामी दौरे थी 1940 में मिंटो पार्क जिसको हम मौजूदा इकबाल पार्क कहते हैं, इसमें मुस्लिम लीग के इजलास में अपने खिताब में आपने दो कौमी नजरिए की मुदा भी कर दी जो पाकिस्तान की बुनियाद बना। आपने 1940 से 1945 के दरमियानी अरसे में एक तरफ हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मुफम्मत पैदा करने की कोशिश की, जिनमें क्रिप्स मिशन, जनाब गांधी मुलाकात और शिमला कॉन्फ्रेंस कबले जिक्र हैं। इसी तरह 1945 और 1946 के मरकजी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में कामयाबी की कदाचन मोहम्मद अली जिन्ना की मरहूम मिल्लत है। 3 जून 1947 का जब मनसूबा पेश करके क्यामे पाकिस्तान की हामी भर ली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपने वजूद में आ गया। आज का आपका चैप्टर नंबर 2 ये मुकम्मल हुआ। ये आपका मेरा मार्च का सिलेबस था। आइए आप इसकी चैप्टर की मरूजी देखते हैं। मरूजी पर क्लिक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 करारदादे लाहौर किसने पेश की, अलीफ पर निशान लगाई, एक एक
पहले हक। दूसरा पॉइंट, सिंध मुस्लिम लीग ने कब अपने सालाना इजलास में तकसीम के हक में करारदाद मंजूर की? दाद उस पर निशान लगाए 1938 है, 1942 में। तीसरा पॉइंट, 1942 में हुकूमत बरतानिया का किसकी क्यादत में एक मिशन दर सदी लाया? सर स्टीफन क्रिप्स जीन जो है कदाजम ने अपने मशहूर चरणपात का पेश की 1929 जीन जो पर निशान लगाया। 1947-1942 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाली सूबाई और मरकजी असम्बली के अरकान असम्बली का एक कन्वेंशन किसकी सदारत में मुनक्किद हुआ? कदाजम मोहम्मद अली चुनाव सरकार ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मुसाब के लखनऊ का हुआ अली 1916 में। 1946 के पूरे हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी गुजरात शामिल थे? दाद उस पर निशान लगा 5। कानून आजादी हिंद का मंजूर हुआ 18 जुलाई 1947 को। करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में गांव मंजूर की गई। करारदाद लाहौर ये पेज 1940 पर है। तजावीज दिल्ली का सन पेज उस पर निशान लगाए 1927 है। दिल्ली अजीम दोनों का किस साल में आवाज हुआ? जीम जूस 1939 पर निशान लगाए। जंगे परासी कब लड़की 1757 है या जीम जूस पर निशान लगाए। कदाद मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? 1913 में। सुल्तान फतेह अली खान टीपू के सियासत के गुमराम थे। दाद जूस है मैसूर। इस तरह बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हुआ।